शाहरुख खान ने साबित कर दिया कि उन्हें यूं ही बॉक्स ऑफिस का बादशाह नहीं कहा जाता, वे वाकई हैं। साल 2023 में जनवरी से ही शाहरुख खान का डंका बज रहा है, पहले पठान और अब जवान। जवान तो कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ चुकी है। जवान ने पहले दिन 65 करोड़ का बिजनेस करके खुद को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना लिया, लेकिन चौथे दिन फिल्म ने इतिहास रच दिया। जवान ने संडे को इतना बिजनेस किया कि कई बड़ी फिल्मों को इसे पछाड़ पाना नामुमकिन साबित हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि जवान ने संडे को कितना कमाया। जवान का क्रेज ऑडियंस के बीच जबरदस्त है, सिनेमा घर फुल है और टिकट काउंटर पर जमकर कमाई हो रही है। 7 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और खुद नंबर 1 पर काबिज हो गई। लेकिन चौथे दिन का कलेक्शन शॉकिंग रहा। सैकनिल के अर्ली ट्रेड के मुताबिक शाहरुख की जवान ने चौथे दिन यानी संडे को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 82 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर इससे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। अगर यह आंकड़ा सही है तो यह अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन है। भारत में तो जवान धमाल मचा ही रही है, दुनिया भर में भी शाहरुख का क्रेज देखने को मिल रहा है। मात्र 3 दिन में फिल्म 400 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए तैयार है। फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइड 384.69 करोड़ कमा लिए हैं। इस फिल्म का क्रेज हर छोटे बड़े शहरों में खूब नजर आ रहा है। सिनेमा घरों से लेकर सड़कों तक पर लोग शाहरुख और जवान के पोस्टर लेकर इस फिल्म के गाने पर जमकर डांस करते दिख रहे हैं। लगातार ट्विटर पर जवान का ट्रेंड अलग अलग हैशटैग के साथ नजर आ रहा है। इस वक्त फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज तक सबके जुबान पर जवान का ही नाम है।